हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ का 2020 का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। ठीक है, यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम ठीक है भरना होगा। समय जो है 3 घंटा 15 मिनट, ठीक 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक जो है 70 नंबर का। ठीक, सामान्य निर्देश ये दिए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये निर्देश दिया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी खंड का जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, निर्देश दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहाँ पे दिया ऑप्शन 1815, 1830, 1848, 1871। ठीक है, एक नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर दो, गुलामगिरी का लेखक कौन था? और दिया डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ब ज्योतिबा फूले, स कैलाश वासिनी देवी, द रामास्वामी नायकर। ठीक है, थर्ड दिया है आपका बहुविकल्पी, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? क्वेश्चन मार्क, अ चंपारण, ब बारडोली, स अहमदाबाद, द खेड़ा। ठीक, एक नंबर का ये क्वेश्चन। चौथा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? अ 20, ब 21, स 22, द 23। ठीक है, पांचवा, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? क्वेश्चन मार्क, अ विधानसभाओं में, ब लोकसभा में, स पंचायती राज संस्थाओं में, द राज्यसभा में। छठा है, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है? अ शिक्षा, ब कृषि, स पुलिस, द रक्षा। ठीक है, सातवां है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? क्वेश्चन मार्क, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? दो नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आठवां है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? दो नंबर का। नौवां है क्वेश्चन, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उसमें उससे क्या हानि होगी? क्वेश्चन मार्क, दो तर्क दीजिए। दो नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद आपका लघु उत्तरी प्रश्न आ जाता है, दसवां क्वेश्चन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? क्वेश्चन मार्क, कांग्रेस ने किस नीति की घोषणा की? तीन नंबर का। अथवा पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? क्वेश्चन मार्क, उसकी दो शर्तें लिखिए। तीन नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, ग्यारहवां है, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियाँ हैं? क्वेश्चन मार्क, किन्हीं दो हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अथवा दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? क्वेश्चन मार्क, समझाकर लिखिए, दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। तीन नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। ठीक है, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन मार्क, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर के क्वेश्चन, अथवा अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया? क्वेश्चन मार्क, उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन 2 पर प्रकाश डालिए, इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? 6 नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक, अथवा में दिया है, जो आपको आ रहा है कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, अथवा राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका दिया है 14वां मानचित्र कार्य। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाएं, सही नाम तथा सही अंकन के लिए हाफ अंक निर्धारित है। ठीक, आधा। फर्स्ट है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सेकंड, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। थर्ड, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चौथा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। पांचवा, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और ये जो है आपका दृष्टिबाधित
बच्चों के लिए हैं। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 14 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप है, ठीक है। जो दृष्टि से बाधित है उसके लिए क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट खंड ख, बहुविकल्पी प्रश्न, निर्देश, निम्नलिखित विकल्प में सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? अ पवन ऊर्जा, ज जल, ब जल, स जीवाश्म ईंधन, द वन। 16वां, निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसल है? अ गन्ना, ब चाय, स रबर, द जूट, ठीक। 17वां है, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? और रोजगार के शर्तों पर, ब आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, स उद्यमों के स्वामित्व पर, द उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। 18वां, झरिया प्रसिद्ध है, अ लौह अयस्क के लिए, ब कोयला के लिए, स तांबा के लिए, द बॉक्साइट के लिए। 19, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और दक्कन के पठार में, ब मालवा प्रदेश में, स ब्रह्मपुत्र घाटी में, द थार रेगिस्तान में। 20वां, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? अ श्रीलंका, ब बांग्लादेश, स पाकिस्तान, द नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघुत्री 21, प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का। 22वां, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 23वां है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई दो अंतर लिखिए, ठीक है। 24वां, मतलब लघु उत्तरी प्रश्न है आपका, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम दीजिए। 25वां है क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं तीन समस्याओं का उल्लेख कीजिए? अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 26वां, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? क्वेश्चन मार्क, अथवा निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन लगभग 40 शब्दों में कीजिए। अ स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ब राष्ट्रीय राजमार्ग, स राज्य राजमार्ग। 27वां क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदाहरण उदारीकरण, कौमा वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है? क्वेश्चन मार्क, अथवा उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानचित्र का निर्देश, भारत के दिए गए मानचित्र पर निर्देश दर्शाएं। 28वां, फर्स्ट राणा प्रताप सागर बांध चीन द्वारा नाम सहित, ठीक। सेकंड, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र चीन द्वारा नाम सहित। थर्ड, लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र ट्रायंगल चीन द्वारा नाम सहित। चौथा, रांची नगर चीन द्वारा नाम सहित। 5वां, नर्मदा नदी चीन द्वारा नाम सहित, ठीक है। ये दिया है मानचित्र, और जो नीचे दिया है आपका, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 28 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप, ठीक है। निर्देश ये दिए हैं, इसको पढ़ करके आप इसको कर लेंगे। थैंक यू।